हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रिकेत वस्ती एक बार फिर से वेलकम करता हूं अपने चैनल वस्ती क्लासेस में। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज के बारे में। इट मींस यहां पे आज हम अकाउंट्स के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज की बात हम कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे क्लास 12 के जो 2019-20 के स्टूडेंट्स हैं उनके ड्यू टू COVID-19 अभी बोर्ड एग्जाम बिजनेस स्टडीज के होना पेंडिंग है। साथ में ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है जो अभी क्लास 11 पास करके क्लास 12 में आ चुके हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर स्टार्ट करें इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं बता दूं। हमारे बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 1 जो कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, चैप्टर नंबर 2 जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है और चैप्टर नंबर 3 जो है बिजनेस एनवायरमेंट के ऊपर बेस्ड है, ये तीनों ही चैप्टर मिला के टोटल 16 मार्क आउट ऑफ 100 मार्क हम कवर करेंगे। इट मीन्स ये तीनों चैप्टर 16 मार्क के हैं और इसी वजह से ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 1 को हम स्टार्ट करें इसके पहले एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। क्लास 12 में हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। हमें यहाँ पे मैनेजमेंट 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 ये वर्ड कई बार आएगा, हमें समझना है कि मैनेजमेंट क्या होता है और हम मैनेजमेंट यहाँ पर करेंगे दो चीजों का। पहला मैनेजमेंट हम अपने चैप्टर नंबर 1-2 चैप्टर नंबर 9 जो सीखेंगे उसमें हम सीखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कैसे होता है। जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उनका मैनेजमेंट कैसे करना है ये हम जानेंगे अपने चैप्टर नंबर 1-2 चैप्टर नंबर 9 में। और चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 में हम जानेंगे फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होते हैं, जो फाइनेंस होता है, जो बिजनेस में हम पैसा लगाते हैं उस फाइनेंस का हमें कैसे मैनेजमेंट करना है। तो मेजर क्लासिफिकेशन इस बुक का ह्यूमन रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट है। चैप्टर नंबर 12 जो है हमारे लिए कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट से रिलेटेड है, उसको हम देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है हमें इस क्लास 12 में बिजनेस सीरीज में मैनेजमेंट को ही बहुत डीप में जाके समझना है कि कैसे ह्यूमन का जो पर्सन होते हैं उनका मैनेजमेंट होता है और दूसरी साइड में जो फाइनेंस होता है, रुपीज होते हैं, मनी होता है, उसका मैनेजमेंट कैसे होता है। चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करें इसके पहले एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज मैनेजमेंट। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट का मतलब होता है कोई एक ऐसा पर्सन, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो और चाहे वो बिजनेस ना कर रहा हो, चीजों को जो रिसोर्सेज हैं उनको सही तरीके से हैंडल करता है, सही तरीके से मैनेज करता है, जब भी जरूरत होती है व्हेनेवर इज नीडेड वो चीजों को अवेलेबल करा देता है। तो हम कहते हैं कि ये पर्सन जो है इसने चीजों को सही टाइम पे मैनेज करवाया है। इट मींस कि वो पर्सन हमारे बिजनेस के लिए कहलाता है, हमारे लाइफ में कहलाता है कि वो एक अच्छा मैनेजर है। मैनेजर वो जो चीजों को सही तरीके से मैनेज कर सके। मैनेजमेंट के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए, हम चाहे तो बिजनेस कर रहे हो और चाहे बिजनेस ना कर रहे हो, चाहे हमारे बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना हो और चाहे बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना ना हो, चाहे हम अपने बिजनेस कर रहे हो या हम डोमेस्टिक एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे हम गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, मैनेजमेंट हर जगह हर टाइम होता है। इट मींस मैनेजमेंट का जो नेचर है वो परवेसिव होता है। परवेसिव का मतलब होता है मैनेजमेंट हर टाइम 24/7 हमारे साथ बना हुआ है। अगर मैं छोटी सी बात करूं कि मैनेजर कौन, तो मैनेजर आप भी और मैनेजर मैं भी। क्यों? हम दोनों ने ही अभी अपने टाइम को मैनेज किया है। आप इस टाइम हो सकता है जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है उस टाइम आपको दूसरा काम करने वाले थे, लेकिन आपने वीडियो देखना शुरू कर दिया, मतलब आपने अपने टाइम का मैनेजमेंट किया है और टाइम को मैनेज करके आपने अपने टाइम को जो है जो काम इस टाइम करना था उसको आपने आगे पोस्टपोन कर दिया कि इसको आगे करेंगे। तो आप भी चीजों को मैनेज कर रहे हैं और मैं भी इस टाइम वीडियो बना रहा हूं, मतलब मैंने अपने दूसरे पेंडिंग वर्क आगे बढ़ा रखे हैं। हम दोनों ही मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि हम दोनों ही यहां पर मैनेजर हो गए। बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 1 जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर क्या है मैनेजमेंट का, उसके इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे बोर्ड में लिखे हुए इस कोटेशन के साथ में, जहां पर एक कोटेशन लिखा हुआ है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डिलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। हम क्लास 12th में डोमेस्टिक या अपनी पर्सनल एक्टिविटीज के बारे में बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पर बिजनेस के बारे में बात करते हैं। बिजनेस वो जिसका एंड रिजल्ट प्रॉफिट या लॉस के टर्म में होता है, इसलिए हम यहाँ पे अपने आप जो हमने बात की कि हम अपने पर्सनल जो चीजों को मैनेज करते हैं उसको अब यहाँ पे पॉज कर देते हैं, उसको यहीं पे खत्म कर देते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज की तरफ मूव करते हैं, हमें बिजनेस के बारे में जानना है।
बिजनेस के सक्सेस या फेलियर का पूरा पूरा क्रेडिट किसी भी बिजनेस के सक्सेस का, या बिजनेस अगर फेलियर हो जा रहा है, बिजनेस बंद हो जा रहा है, उसका पूरा क्रेडिट हम देते हैं टोटल बिजनेस में किए जाने वाले मैनेजमेंट को। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बिजनेस जो भी कर रहे हैं उस बिजनेस में हमने चीजों को कैसे मैनेज किया था जिसकी वजह से हमारा बिजनेस बूम में चला गया, हमने बिजनेस को कैसे मैनेज किया जिसकी वजह से हमारा बिजनेस फेलियर हो गया और हमारा बिजनेस शटडाउन पॉइंट पे, हम उसका बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, बिजनेस का फेलियर और सक्सेस टोटली डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर में। अगर आप वर्ड्स देखेंगे तो मैंने यही लिखा है, जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो उनका जो सक्सेस होता है वो बाई चांस नहीं होता है, बल्कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है उन्होंने मैनेजमेंट को सही तरीके बिजनेस में अपने बिजनेस में एप्लीकेबल किया है, तब जाके उन्हें सक्सेस मिली है। तो लिखा हुआ है कि बाय फॉलोइंग अ डिलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट, उन्होंने एक डिलिबरेट प्रोसेस को फॉलो किया है, बहुत मन से बहुत सारे उसमें चीजों को इन्वॉल्व करके किया है जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस में सक्सेस को अचीव कर रहे हैं और करते रहेंगे फ्यूचर में, प्रॉस्पर पे उनका बिजनेस जा रहा है। अब हम बात करते हैं, तो ये हो गया हमारा मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू बुक, अकॉर्डिंग टू, हमें बुक से चीजों को पढ़ना है। तो आपके लिए जानना जरूरी है कि बहुत सारे ऑथर्स ने, बहुत सारे जो राइटर्स हैं उन्होंने मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है, उन सब का जो हमने कंक्लूजन निकाला है, मैंने उस कंक्लूजन को यहाँ पे लिखा है, ये भी आपको अपने बुक में मिल जाएगा। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन मैंने लिखी है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इस डेफिनेशन को फिर से एक बार गौर से देखते हैं। लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स, यहां पर मैनेजमेंट को बता रहा है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट यहां पर प्रोसेस है गेटिंग थिंग्स, जिसमें हम चीजों को गेटिंग करते हैं, डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, क्योंकि हम अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। हम सब बिजनेस जो कर रहे हैं, हमारे बिजनेस का कोई ना कोई एम है, कोई ना कोई हम उस बिजनेस का एंड रिजल्ट होता है। जैसे मैं बात करता हूं कि अगर हम एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो हमने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, वो एक मंथ भी हो सकता है, वो टू मंथ भी हो सकता है, वो थ्री मंथ भी हो सकता है, और नॉर्मली हम जो बात करते हैं वो कंप्लीट होल ईयर की करते हैं। तो अगर हम ये मानते हैं कि कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने बिजनेस में 1000 यूनिट का कंप्यूटर एक ईयर में करना चाहती है, तो हम बोलेंगे उसका जो अल्टीमेट गोल है, जो उसका टारगेट है, वो एक कंप्लीट ईयर में 1000 यूनिट ऑफ कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो यहां पे हमने लिखा है कि अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, ये वर्ड्स आपके लिए नए हो सकते हैं क्लास 12th में। अब इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हमने जान लिया कि मैनेजमेंट का मतलब होता है अपने बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना होगा, प्रोसेस को फॉलो करने के साथ में चीजों को हमें कंप्लीट डन विद द एम ऑफ, क्योंकि हमको चीजों को कंप्लीट करना है, हमको करना होगा, और ये काम हम करेंगे विद इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। अब इस कॉम्प्लिकेटेड जो डेफिनेशन है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, आइए उन वर्ड्स को देखते हैं। मैंने उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर रखा है। पहला वर्ड है प्रोसेस, जिसे हम समझेंगे। दूसरा अचीविंग गोल का मतलब आपको क्लियर है, गोल को अचीव करना। हमारा क्लास 12 का गोल है कि हम क्लास 12 के सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, हमें वो सिलेबस समझ जाना चाहिए। और एंड रिजल्ट है जो अचीविंग गोल का मतलब है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि हम अच्छे मार्क्स से अच्छा स्कोर करके क्लास 12 के एग्जाम को पास करें। तो हमारा पूरा फोकस क्लास 12 के अच्छे रिजल्ट के लिए, जिसके लिए हम बहुत सारा यहाँ पर हार्डवर्क कर रहे हैं। तो ये हमारा अचीविंग गोल हो गया। लेकिन यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, जिसमें हम कहते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो इस टोटल डेफिनेशन में अगर हम गौर से देखें, तो मैंने नीचे हाईलाइट कर रखा है कि हमारे इस पूरे डेफिनेशन में हमने तीन ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जो यहाँ पे फोकस कर रखे हैं। पहला है प्रोसेस, दूसरा इफेक्टिवली, जिससे कि इफेक्टिवनेस बन के आया है, और तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है इफिशियंटली, जिसके लिए हमने बनाया है इफिशियंसी। तो इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस और प्रोसेस क्या है जो इस डेफिनेशन से बाहर आ रहा है, इसके बारे में जानते हैं। हम धीरे धीरे ऐसे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और डेफिनेटली आपको चीजें समझ में आएंगी। एक साथ सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से चीजें हमारे लिए हौच-पौच हो सकती हैं। आइए देखते हैं प्रोसेस का क्या मतलब होता है। प्रोसेस का मतलब हो गया, अभी हम बिजनेस स्टडीज के प्रोसेस के बारे में बात नहीं कर रहे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अभी हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज प्रोसेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है, हम इस काम को कैसे कंप्लीट करते हैं। जैसे अगर हमें क्लास 11th में अगर फाइनल अकाउंट बनाना था, तो फाइनल अकाउंट हमारा एकदम से तो नहीं बन गया था। पहले हमने ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया था, क्लासिफाई किया था, उसको समराइजिंग किया था, उसके बाद हमने उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में, बुक कीपिंग में, जनरेटरी के फॉर्म में रिकॉर्ड किया था, सब्सिडरी बुक के फॉर्म में रिकॉर्ड किया था, उससे लेजर बनाया था, और लेजर के बैलेंसेस से ट्रायल बैलेंस बनाया था,
ट्रायल बैलेंस के बाद में हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, फिर बैलेंस शीट बनाया था, तो हमारा एंड रिजल्ट आ गया था। मींस ये सारा काम हमने प्रोसेस में किया। ठीक ऐसे ही अगर हम बात करें कि हम घर में बहुत सारा काम ऐसा है जो करते हैं जो प्रोसेस में करते हैं, आप उन काम को ले सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अगर किसी घर में हमारी जो मम्मा है वो रोटी बना रही है, तो अगर हम रोटी बनाने के प्रोसेस को समझें तो बहुत आसान प्रोसेस है, लेकिन उसको प्रोसेस को उसी सीक्वेंस में करना पड़ता है, सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस को ही हम कहते हैं प्रोसेस। सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शन कैसे? सबसे पहले जो हमारी मम्मा होती हैं या हम लोग कभी देखते हैं तो हम क्या लेते हैं, पहले आटा लेते हैं, उस आटे को पानी मिला के मिक्स करके उसको अच्छे से सान लेते हैं, उसके बाद में हम उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाते हैं, उसके बाद में हम रोटी बनाते हैं, फिर उसको हम सेकते हैं, फिर हमारी जो चपाती और रोटी है वो बनकर तैयार रहती है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेज लगे हैं। रिसोर्सेज क्या क्या लगे होंगे इसमें रिसोर्सेज हमारे पास, सबसे पहले तो रॉ मटेरियल जो कि हमारा आटा है वो लगा होगा, इसमें हमने वाटर मिक्स किया होगा, इसमें हमें हीट चाहिए, पावर चाहिए, जिसके लिए हमें गैस स्टोव या भी किसी भी एनर्जी का जो इंडक्शन हो गया, इन सब चीज़ों को यूज़ किया होगा, इसमें हमें जिसमें हमने उस रोटी को बेला होगा, वो चीज़ें हमें लगी होंगी। कहने का मतलब ये है कि प्रोसेस में रिसोर्सेज को सही तरीके से मैनेज करना, और ये सारा काम किया किसने, मैंने आपको बताया ये सारा काम किया है ह्यूमन रिसोर्सेज ने। तो हम यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रोसेस का मतलब हो गया जिसमें हम चीज़ों को सीरीज ऑफ सीक्वेंस में जो इंटर रिलेटेड फंक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। मैनेजमेंट में जो हमारे पास फंक्शंस हैं उसको हमने पांच मेजर पार्ट में तोड़ रखा है। अभी आपको ये पांचों फंक्शन जो है अपने आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में दिखेंगे, जिसमें से हमारे पास पहला फंक्शन है प्लानिंग, दूसरा है प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इस डेफिनेशन से जो पहला प्रोसेस निकला है उस प्रोसेस का मतलब है कि ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। अगर मैं इसको प्रोसेस ना बोलकर फंक्शंस बोल दूं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है तो भी शायद मैं गलत नहीं होऊंगा। तो ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है जो हमारे पास टोटल फाइव है, जिसमें मैंने पहला लिख रखा है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये क्या है, इनके क्या क्या फीचर्स है, की क्या स्पेशलिटी है, इसको हम डेफिनेटली अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे निकल के आया है इफेक्टिवली, जिससे मैंने एक वर्ड बनाया है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है जो भी हम जिन चीजों का भी हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो भी हम वर्क कर रहे हैं बिजनेस में, वर्क हमारा राइट टाइम पर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर हम बिजनेस स्टडीज की बुक जो है वो बुक हमारे पास अभी स्टार्टिंग में आ जाती है तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत रेलेवेंट होता है, लेकिन अगर यही बुक हमारे पास में पब्लिशर जो है हमें एग्जाम के पहले छाप के दे, एग्जाम के पहले प्रिंट करके हमें दे, तो क्या वो सही टाइम पे हमारे लिए बुक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उस टाइम पे जिस टाइम पे हमें एग्जाम के पहले हम जो क्वेश्चन सीरीज होती हैं, जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, बहुत सारे हमारे पास में क्वेश्चन पेपर आते हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं, उस टाइम पे हमारे लिए बुक का रेलेवेंट थोड़ा सा कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि पब्लिशर ने अपने बुक की पब्लिशिंग सही टाइम पे नहीं की है। इसका मतलब ये है कि वहां पे पब्लिशर ने अपने वर्क को इफेक्टिवली नहीं किया है, उसके वर्क में इफेक्टिवनेस की कमी रह गई थी, क्योंकि काम टाइम पर कंप्लीट नहीं हुआ है। काम टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए। अगर मैं किसी गेस्ट को अपने घर में बोलता हूँ कि आज रात को आप हमारे घर में डिनर पे आइए और वो डिनर पे आता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक आइडल टाइम है डिनर करने का, जिस टाइम पे हम डिनर करते हैं, हमने जो एक टाइम ना रखा है, वो करीब रात को 8 बजे से 9 बजे से 10 बजे के बीच में होता है। उस बीच में हमको उस पर्सन को डिनर कराना है, लेकिन अगर हम उसे बैठा के रखते हैं घर में और हम रात को 1 बजे डिनर कराते हैं, तो क्या ये सही टाइम है? नहीं, क्योंकि हमने जो एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क था वो सही टाइम पे कंप्लीट नहीं किया है। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि हमने अपने डिनर में जो गेस्ट को बुलाया था उसके साथ में हम अपने मैनेजमेंट के साथ में इफेक्टिवली नहीं रह गए, हमारे वर्क में इफेक्टिवनेस नहीं थी, हमारा वर्क टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन वर्क का टाइम के साथ कंप्लीट होने के अलावा हम बहुत सारी चीजें और हैं इस इफेक्टिवनेस में जो जानते हैं। आइए, मैंने कुछ कॉलिंग वर्ड लिख रखे हैं। पहला मैंने लिखा है टास्क ऑन टाइम, जो कि मैंने आपको बता दिया, हमारा काम जो भी हम बिजनेस में एक्टिविटी कर रहे हैं वो कंप्लीटली टाइम पे कंप्लीट होनी चाहिए। हर चीज को करने या ना करने का एक पर्टिकुलर टाइम है, उसी टाइम पे वो काम कंप्लीट होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि हमने बिजनेस में इफेक्टिव नेस के साथ में काम किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। अभी मैंने बात की कि एंड रिजल्ट पे ही सब कुछ फोकस करता है। हम अपने काम को स्टार्टिंग में कुछ धीरे धीरे करते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट जब होता है तो हम लोगों ने आप लोगों ने देखा है कि एक मास्टर शेफ करके हमारे पास में एक रियलिटी शो आता था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे जो
शेफ थे, शेफ बनने के लिए जो बहुत सारे पर्सन थे वो वहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर रहे थे, उनको एक टाइम दिया था, उस टाइम के साथ में उनको एक रेसिपी दी जाती थी, उस रेसिपी को उस पर्टिकुलर टाइम में उन्हें मैनेज करना था। इसका मतलब ये हो गया कि अगर जो वहाँ पर शेफ उस काम को उस पर्टिकुलर उसी टाइम में कंप्लीट कर लेते थे तो हम कहते थे उनके वर्क में इफेक्टिवनेस डेफिनेटली है। नॉर्मली हम देखते थे कि बहुत सारे लोग उसको उस टाइम पे कंप्लीट कर लेते थे। इफेक्टिवनेस का मतलब हो गया एंड रिजल्ट, जब हम काम को कर रहे हैं तो हमारा काम उस पर्टिकुलर जो टाइम ड्यूरेशन उसके लिए फिक्स की गई है उस पर्टिकुलर टाइम में वो काम कंप्लीट होना ही चाहिए, तो उसे हम कहते हैं कि हमारा जो वर्क है इफेक्टिवली कंप्लीट हो गया है। तो मैंने लिखा है कि इट इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट का मतलब हो गया कि लास्ट में जो हमारे पास टाइम था उस टाइम में हमारा वर्क स्मूथली हमने उस वर्क को कंप्लीट कर लिया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है मैंने डूइंग द राइट टास्क। आपको जो ये टाइम लगाना है, जो भी हम यहाँ पे टाइम लगा रहे हैं, जो भी एनर्जी लगा रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज लगा रहे हैं, वो राइट टास्क में लगाना है। राइट टास्क का मतलब हो गया हमें किसी भी ऐसे टास्क में लगाना है जिस टास्क को हम अचीव कर सकते हो, जो टास्क अचीवेबल हो। अचीवेबल हो मतलब जिस टास्क को हम कंप्लीट करने के लिए हमारे पास में सारे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हो, हमारे पास उसकी स्ट्रेंथ हो, उसे हम कहते हैं कि हमने अपने टास्क को अचीव कर लिया। अगर मैं बात करूं कि जाओ चांद से तारा तोड़ लो, चांद का टुकड़ा तोड़ लाओ, ऊपर से तारे तोड़ लाओ, तो ये हमारे ऐसे टास्क है जो कंप्लीट नहीं हो सकते, नॉन अचीवेबल है। ऐसे किसी भी टास्क के लिए हम यहाँ पर बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने टास्क लिया वो राइट टास्क होना चाहिए। राइट टास्क बाय द राइट टाइम बाय द राइट पीपल टू द राइट प्लेस इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। वहां पे राइट पीपल भी होने चाहिए, राइट टाइम भी होना चाहिए, राइट प्लेस भी होना चाहिए और वो राइट टास्क होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि हमारे बिजनेस में इफेक्टिवनेस है। लास्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे कंप्लीटिंग और अचीविंग द गोल्स, ये सारा हम काम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, हम क्यों इतने सारे कंसेप्ट को समझ रहे हैं, क्योंकि हम अपने बिजनेस में किए जाने वाले किसी भी टास्क को टाइम पे कंप्लीट करना चाहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमने अपने बिजनेस में इफेक्टिवनेस या इफेक्टिवली चीजों को किया कि नहीं किया, इसके लिए सारे पॉइंट्स हमको ध्यान रखने होंगे। इस मैनेजमेंट के डेफिनेशन का दूसरा पॉइंट था इफेक्टिवनेस, जिसे हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड की ओर, जिसका नाम है इफिशियंसी। अगर आप देखेंगे तो ये हमारे डेफिनेशन में इफिशियंसी थी, इफिशियंटली था, जिससे एक वर्ड बना इफिशियंसी। इफिशियंसी का सिंपल मतलब है नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज और वेरी लो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज का कैसा मतलब होता है, आप सभी ने गर्मी के सीजन में, जो कि अब नॉर्मली गर्मी का सीजन है, आपने देखा होगा कि जब हम बाहर जाते हैं शुगर केन, जिसे हम गन्ना कहते हैं, और गन्ने का जूस हम पीने की कोशिश करते हैं, कई बार मार्केट में जाते हैं और आपने देखा होगा कि गन्ने का जूस निकालने वाला जो पर्सन होता है वो गन्ने को कई बार मशीन में डालता है, तब तक डालता है कि जब तक उस गन्ने से, उस शुगर केन से निकलने वाला जूस का लास्ट बूंद उस जो उसका जो मटेरियल है जो शुगर केन है उससे ना निकल पाए। उसके बाद में जब उससे जूस निकलना बंद हो जाता है तो वो उसको स्क्रैप समझ के अलग कर देता है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे लिए इस इफिशिएंसी को समझने के लिए। मैंने वर्ड यूज किया है नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज और वेरी लो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। हमारे रिसोर्सेज का वेस्टेज कम से कम होना पाए, कम से कम रिसोर्सेज का वेस्टेज हो। तो इन दोनों वर्ड को यूज ना करके अगर मैं ये बोलूं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को ही हम कहते हैं इफिशियंसी या इफिशियंटली। तो इफिशियंटली वर्क को करना या इफिशियंसी के साथ वर्क को करना, मतलब वर्क में हमारे उस काम में वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज का बहुत कम वेस्टेज हो। अगर मैं रिसोर्सेज की बात करता हूं तो रिसोर्सेज मेनली जो क्लासिफाइड होते हैं वो तीन रिसोर्सेज को हम मेजर अपने बिजनेस सीरीज का पार्ट बनाते हैं। पहला होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरा रिसोर्सेज है फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज में वो सारी चीजें आती हैं जिसको फिजिकल एग्जिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सकता है, जैसे बिजनेस में यूज होने वाली मशीनरी हो गई, बिजनेस में यूज होने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं, बिजनेस में जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, ये सब फिजिकल फॉर्म में है, तो हम कहते हैं कि बिजनेस की तो फिजिकल रिसोर्सेज है। और तीसरा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जिसके दम पे जिस वजह से हम बिजनेस कर रहे हैं, तो वो बिजनेस फाइनेंस जो है, जो बिजनेस में मनी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बिजनेस में जो मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे बिजनेस के लिए फाइनेंस है। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज, इन्हीं तीनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन करना ही कहलाता है एक कंप्लीट मैनेजमेंट। यहां पर रिसोर्सेज का वेस्टेज नो और लो पॉइंट नंबर वन, अगर आप देखेंगे नो
स्लैश लो मींस नो और लो बेसिस ऑफ रिसोर्सेज। तो हमारे पास तीनों ही रिसोर्सेज हैं। अगर आप बोलेंगे कि मैन जो ह्यूमन रिसोर्सेज है इसका कैसे वेस्टेज कम होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज के वेस्टेज को भी हम कम कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज वो जो अगर हम बात करते हैं कि वर्कर जो होते हैं हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अगर 24 आवर्स में 8 आवर्स काम करते हैं, 8 आवर्स की शिफ्ट होती है, तो वर्कर 8 आवर्स काम करते हुए अपना मैक्सिमम जो पोटेंशियल है, अपनी जो मैक्सिमम काम करने की स्ट्रेंथ है उसके साथ वो काम कर सके, तो हम बोलेंगे हमारे वर्कर ने अपने कैपेसिटी के हिसाब से अपना 100% अपने वर्क में दिया है। वर्कर काम करते करते बहुत जल्दी थक जा रहे हैं, वर्कर का काम में मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं ह्यूमन रिसोर्सेज उसका हम वेस्टेज कर रहे हैं, हमें उनके साथ में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। तो लो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज और वेरी लो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब हो गया है कि हमें अपने रिसोर्सेज को केयरफुली खर्च करना है, केयरफुली इन चीजों को मैनेज करना है, उसी के लिए हम कहते हैं कि हमें इफिशियंटली या इफिशियंसी के साथ में चीजों को रिसोर्सेज को मैनेज करना है। पॉइंट नंबर सेकंड अगर आप देखेंगे, मोर बेनिफिट बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज। जब हम अपने रिसोर्सेज को कम खर्च करेंगे, कम खर्च करके रिसोर्सेज को कम खर्च करने के बाद जो आउटपुट होगा वो उतना ही आउटपुट होगा जितना कि हमारे पास रिसोर्सेज नॉर्मली खर्च होने से आ रहा था, तो डेफिनेटली हमारे लिए जो रिसोर्सेज है वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। उस बचे रिसोर्सेज से हम कुछ नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। रिसोर्सेज कम लगने से जो हमारी कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। इसका मतलब होता है कि कम रिसोर्सेज यूज करने से हमारे गुड्स में हम ज्यादा प्रॉफिट लेकर गुड्स को बेच सकते हैं, मतलब हम ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो लिखा हुआ है मोर बेनिफिट बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज। कम रिसोर्सेज लगाइए, ज्यादा बेनिफिट लीजिए, अपने बिजनेस में चीजों के लिए एफिशिएंसी मेंटेन करिए। नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हम इस एफिशिएंसी को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी कहते हैं, जहां पर हम अपने गुड्स में अपने किसी भी या गुड्स का या सर्विसेज का जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बिजनेस में, उसमें लगने वाले कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हम चीजों को एनालाइज कर सकते हैं कि किस जगह पे ज्यादा खर्चा हो रहा था, किस जगह पे कम एक्सपेंडिचर हो रहे थे। चीजों को अगर हम सही तरीके से मैनेज करते हैं डेफिनेटली हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हमारे लिए हो गया कि हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। लास्ट पॉइंट है लेस इनपुट मींस हायर प्रॉफिट। आपने इनपुट कम डाला लेकिन आपका आउटपुट जो है वो ज्यादा निकल गया, स्टैंडर्ड से निकल आया। जैसे मान लेते हैं, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और हमने बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ऐसी मशीन वहां पर डिजाइन की है, ऐसी मशीन हम अपने बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए यूज करते हैं जिसमें हम जो इंग्रेडिएंट्स है बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग का, वो मैदा हो सकता है, वो शुगर हो सकता है, वो ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, वो एसेंस हो सकता है, उसके जो फ्लेवर सब हो सकते हैं, हमने सबका मिक्सचर करके जो उस मशीन में डाला और जो आउटपुट है, तो अगर हम ये मानते हैं कि 1 kg ऑफ जो मटेरियल है उससे हम 100 pieces ऑफ बिस्किट निकालेंगे, हो सकता है 100 pieces ऑफ बिस्किट्स वहां पे मैन्युफैक्चरिंग ना हो रही हो, क्योंकि बहुत सारा आइटम जो है ना वो हमारे मशीन के अंदर पार्ट्स में ही कहीं ना कहीं रह गया है, कहीं ना कहीं उस जगह पे चिपक गया है, जिसकी वजह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग 100 की यूनिट की नहीं हो रही है। ऐसे केस में हमें अपने टेक्निक्स ऑफ जो प्रोडक्शन है जिस मशीनरी में कुछ ना कुछ चेंजेस करने चाहिए, ताकि जो हमने 1 kg ऑफ मटेरियल वहां पे डाला है, इनपुट किया है, उसका आउटपुट 100 बिस्किट्स के यूनिट में कंप्लीट साइज जो निकलते हैं जिसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं उस साइज में बिस्किट निकल के आने चाहिए, तो हम बोलेंगे कि बिजनेस में हमने लेस इनपुट के साथ में आउटपुट ज्यादा लिया, इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो गया। अब हम जानते हैं कि तो ये आपने देख लिया कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बिजनेस में इफेक्टिवनेस ही जरूरी है कि एफिशिएंसी भी जरूरी है, कि इन दोनों में से किसी एक के रहने से भी हमारा बिजनेस सक्सेसफुली चल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमारे बिजनेस में जितना ज्यादा जरूरी इफेक्टिवनेस है उतना ही ज्यादा जरूरी हमारे लिए एफिशिएंसी का भी होना जरूरी है। इफेक्टिवनेस का मतलब मैंने आपको बताया है, इफेक्टिवनेस मींस डूइंग द टास्क एट द राइट टाइम, टास्क का राइट टाइम पे कंप्लीट होना जरूरी है। और एफिशिएंसी का मतलब मैंने बताया, मेनली जो एफिशिएंसी का मतलब होता है वो नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हाई प्रॉफिट को ध्यान रखते हुए जब हम बिजनेस करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे बिजनेस में दोनों ही चीजें पैरेलल वे में होनी चाहिए। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर मैं मुझे काम दिया गया और बोला गया कि ये लीजिए आटा और इस आटे से आपको रोटियां बनानी है और इस आटे से आपको 100 रोटीज बनानी है, जो क्वांटिटी ऑफ हमें क्वांटिटी प्रोवाइड की गई है उस आटे की, उससे बोला गया है कि आपको 100 यूनिट ऑफ चपातीज वहां पे बनानी है। मैंने जल्दी जल्दी और मुझे टाइम दिया गया 1 घंटे का, मैंने 1 घंटे में किस तरीके से करके 100 pieces ऑफ चपातीज वहां पे प्रिपेयर भी कर दी, बना भी दी, लेकिन यहाँ पे मुझे चेक करना है कि 100 pieces ऑफ चपातीज जो बनी है वो एक्यूरेट 1 आवर्स में बनी है कि नहीं। मैंने कहा हाँ 1 घंटे में बन गई है, लेकिन वहां पे दूसरी चीज चेक करनी है,
उसका जो आपका इफिशियंसी, आपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज किया है कि नहीं, रिसोर्सेज का वेस्टेज तो नहीं हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैनेजमेंट में जो चीजें पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है हमने जो भी रोटीज बनाई, जो भी वहां पे चपातीज बनाई है, सबका साइज, सबका टेस्ट, सबका कलर, सबका टेक्सचर, सब कुछ सेम होना चाहिए था, तो हम कहते हमने वर्क इफेक्टिवली और इफिशियंटली कर लिया है। फिलहाल इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी में इतना ही समझते हैं। ये सारा जो हम टास्क कंप्लीट कर रहे हैं इसमें कॉमन वर्ड है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने बिजनेस में चीजों को, अपने टारगेट को, अपने बिजनेस के एम को अचीव करना है, तो हम कहते हैं टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो फिलहाल इसमें इतना ही है, अभी हमें इस कंसेप्ट में इतना ही समझना है। आइए अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम आप जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में हमारे पास बुक्स में बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिए हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में, जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 7, जिसको पढ़ने के बाद में हम फीचर्स को अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट लिख रखे हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आएंगे। जिसमें से पॉइंट नंबर फर्स्ट जो है, जो हमारा फीचर है, पहला फीचर जो है मैनेजमेंट का, वो है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों है, उसके नीचे मैंने कुछ एलिमेंट लिख रखे हैं। मैनेजमेंट यूनाइट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यही मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट में हम इंडिविजुअल को भी रिस्पॉन्स करते हैं, इंडिविजुअल को भी यहां पर हम रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन हमारे लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स के पहले हम ग्रुप में बात करते हैं, और सारे ही जितने इंडिविजुअल्स हैं जो मिलकर काम करेंगे उन सबका अल्टीमेटली कोई ना कोई टारगेट, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसको अचीव करने के लिए वो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट को हमेशा ये राइट्स करना है, मैनेजमेंट को हमेशा ये कोई ना कोई टारगेट सेट करना है जिसके अकॉर्डिंग वर्कर काम करेंगे। वो टारगेट अलग अलग टर्म में हो सकते हैं, वो टारगेट हमारे नंबर ऑफ यूनिट के टर्म में हो सकते हैं, वो टारगेट नंबर ऑफ पीसेस के टर्म में हो सकते हैं। अगर हम वायर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो मीटर के टर्म में हो सकता है, हम किसी लिक्विड चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो लीटर के टर्म में हो सकता है। तो टारगेट जो है नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग हमें सेट करना है, और सारे ही वर्कर, सारे ही एम्प्लॉयज, सारे ही जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उन सबको इस पर्टिकुलर टारगेट के बारे में हमेशा अपने दिमाग में चीजों को चलाते रहना है कि हम जिस वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है वो है कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में इस पर्टिकुलर टारगेट को जो कि हमें दिया गया है उसे हमें अचीव करना है। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखे, वर्कर्स काम करेंगे, एम्प्लॉयज काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारा टारगेट टाइम पे पूरा हो जाएगा। तो ये है पॉइंट नंबर फर्स्ट, वर्कर्स हमेशा गोल ओरिएंटेड रहेंगे, किसी ना किसी टारगेट को अचीव करने के बारे में बात करेंगे। जो शूटर होता है, आप लोगों ने देखा है जब वो निशाना लगाता है, शूट करता है, तो उसके सामने टारगेट होता है और वो चाहता है कि वो टारगेट के एकदम बीचों बीच जो सेंटर पॉइंट होता है उसमें कोशिश करे कि वो लगाने की। तो इसी को हम कहते हैं टारगेट। टारगेट में ही वर्कर्स को फोकस करना है, और एंड रिजल्ट जो होता है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट होना चाहिए। इफेक्टिव क्या होता है, एफिशिएंट क्या होता है, मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया है। तो पॉइंट नंबर वन में फिलहाल हम इतना रखते हैं कि जो भी टारगेट है बिजनेस के उन्हें अचीव करने के लिए ही वर्कर जो है मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। अगर हम सक्सेसफुली अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं सारे लोग मिलकर, तो हम कहते हैं कि हमारा मैनेजमेंट इफेक्टिव है, एफिशिएंट है। अगर हम टारगेट टाइम पे अचीव नहीं कर पाते हैं, हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाता, तो हम कहते हैं कि हमारा मैनेजमेंट इनइफेक्टिव या इनइफिशिएंट है। तो पॉइंट नंबर वन में फिलहाल इतना ही। पॉइंट नंबर सेकंड अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है जो 24/7 होल वर्ल्ड में चीजें एप्लीकेबल हो जाए उसे हम परवेसिव कहते हैं। अगर हम ये मानते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो वर्कर्स के घर चले जाने से, फैक्ट्री बंद हो जाने से मैनेजमेंट खत्म हो जाता है, तो ये कंसेप्ट आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैनेजमेंट जो होता है वो परवेसिव नेचर का है, मींस हर टाइम मैनेजमेंट एप्लीकेबल है, चाहे वो हमारी इंडिविजुअल लाइफ हो, चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे हम ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे हम इंडिविजुअल एक्टिविटी कर रहे हो, मैनेजमेंट परवेसिव नेचर का मतलब होता है मैनेजमेंट हर टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होता रहता है। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन जो कि अभी हम अपने फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम बात करें तो जो मैनेजमेंट होता है वो हमारे पास एक पिरामिड शेप में होता है, जिसे हम टॉप, मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। ये टॉप, ये मिडिल और ये लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। तीनों ही लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो हमारे पास टीयर है उसमें लिखा हुआ है अप्लाई इन ऑल लेवल्स, सारे ही लेवल्स में ये मैनेजमेंट एप्लीकेबल होगा। टॉप लेवल में जो ऑफिसर्स बैठते हैं, मिडिल लेवल में एम्प्लॉयज बैठते हैं, लोअर लेवल में जो वर्कर्स होते हैं
वो वहां पर उनके लिए प्लेस होता है। तो सारे ही लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हो, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, सारे ही लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमारे लिए मैनेजमेंट परवेसिवली अप्लाई हो जाता है। हर टाइप के मैनेजमेंट होता है। अगर हम ये सोचते हैं कि वर्कर काम करके घर चला गया है तो मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो ये भी मैनेजमेंट का एग्जाम्पल है कि वर्कर काम करके 8 आवर्स काम करने के बाद हमने उसे घर जाने की परमिशन दी है, तो ये मैनेजमेंट का ही एग्जांपल था कि मैनेजमेंट की वजह से ये वो घर गया है और ठीक नेक्स्ट शिफ्ट में काम करने वो फिर से आ जाएगा, तो यहाँ पर फिर से मैनेजमेंट है, क्योंकि जब वो घर गया था तो हमारा काम रुका नहीं था, नेक्स्ट जो शिफ्ट था, जो नेक्स्ट ग्रुप था, वो आकर उसको ज्वाइन कर लिया था और हमारा काम लगातार चल रहा था परवेसिव नेचर होने की वजह से। बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, मैंने आपको बताया क्योंकि अभी मैंने आपको इंडिविजुअल के बारे में बताया, तो बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, दोनों ही जगह पर हमारा जो मैनेजमेंट है वो परवेसिव रहता है। बिग और स्मॉल, जो हमारे बिजनेस का साइज है, साइज अगर बहुत छोटा है या साइज बहुत बड़ा है तो हम जो परवेसिवनेस है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजमेंट का अगर साइज छोटा है तो हम कह देंगे कि यहाँ पे मैनेजमेंट परवेसिव नहीं है, बहुत बड़ा साइज है तो ही मैनेजमेंट वहां पे परवेसिव होगा। मैनेजमेंट का परवेसिव होना मैनेजमेंट के बिजनेस के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मैनेजमेंट में चाहे बिजनेस का साइज बहुत छोटा होगा या बिजनेस का साइज बहुत बड़ा होगा, मैनेजमेंट 24/7 हर टाइम मैनेजमेंट एप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा। हर टाइम मैनेजमेंट में चीजों को अकॉर्डिंगली, अगर मैं बात करता हूं कि हम रात में 11 बजे सो जाते हैं और हम सुबह 6 बजे सो के उठते हैं, तो ये भी हमारे मैनेजमेंट का, क्योंकि इसे हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। हमने अपने वर्किंग शेड्यूल को ऐसा मैनेज किया है कि हमने एक पर्टिकुलर टाइम अपने रेस्ट के लिए, अपने सोने के लिए सेट किया है, तो हम सो रहे हैं और हम कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं लेकिन हम फिर भी अपने उस टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, मतलब कि हम यहाँ पर मैनेजमेंट को अप्लाई करते हुए उस पर्टिकुलर टाइम में सोने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग हैं यूनिट या हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, दोनों ही जगह पर मैनेजमेंट एप्लीकेबल होगा। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो हम टेंजिबल थिंग्स का वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, गुड्स बनाएंगे, लेकिन अगर हम वहां पर सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपको पता है, आपने 11th कॉमर्स में जाना है, सर्विसेज आर इनटेंजिबल्स, जिन्हें हम कभी देख नहीं सकते, उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो हम चाहे गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस पे, चाहे हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, दोनों ही जगहों पे हमारे लिए मैनेजमेंट परवेसिव नेचर का एप्लीकेबल होगा। अगर हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं तो भी ये परवेसिव होगा, अगर हम नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं तो भी वहां पर हमारा मैनेजमेंट एप्लीकेबल होगा। और लास्ट पॉइंट है, कंसेप्ट इज यूज इन द होल वर्ल्ड। मैनेजमेंट का जो मैंने बताया कि जो परवेसिवनेस है मैनेजमेंट, ये इंटायर वर्ल्ड में एप्लीकेबल होता है, ये नहीं कि हमारे इंडिया में एप्लीकेबल होता है तो यूके में अलग होगा। डेफिनेटली बिजनेस करने के जो आइडियोलॉजी है बिजनेस करने की, वो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट हो सकती है, लोग अलग अलग कंसेप्ट को लेकर बिजनेस करते हैं, लेकिन वहां सब जगह पर भी मैनेजमेंट एप्लीकेबल होता है। और मैनेजमेंट जो होता है वो परवेसिव नेचर का होता है, सारे ही वर्ल्ड में साइमल्टेनियसली एप्लीकेबल होता है, इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो परवेसिव नेचर का है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, हमारा जो पॉइंट नंबर थर्ड है वो है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है मैनेजमेंट को हम डिफरेंट एंगल से भी देखकर समझ सकते हैं। इसे समझने के लिए हमें मैनेजमेंट के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने होंगे, जिसमें पहला नंबर पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। आपने नोटिस किया होगा कि मैं जब से बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 1 में, तो मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ कि हम किसी वर्क को करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई टास्क होगा, हम उस गोल को अचीव करेंगे, इफेक्टिवली टास्क को अचीव करेंगे, एफिशिएंटली टास्क को अचीव करेंगे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसी ना किसी वर्क को करने की या किसी ना किसी वर्क को ना करने की। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी ना किसी वर्क को करने की, जो काम किया जाएगा। अगर हम बात करें कि हम मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट को किसके लिए करते हैं, तो मैनेजमेंट को किसी ना किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए ही किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। कोई ना कोई वर्क होगा जिस वर्क को सारे लोग मिलकर करेंगे, जो भी हमारे पास टास्क होगा वो नेचर ऑफ बिजनेस और साइज ऑफ बिजनेस के हिसाब से टास्क थोड़ा और टास्क ज्यादा हो सकता है। व्हाटएवर इज द टास्क गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, उसे अचीव करने का काम वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को मिलकर करना है। इसके अलावा दूसरा नंबर अगर आप पॉइंट देखेंगे तो लिखा हुआ है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब हो गया कि ये जो काम है मैनेजमेंट में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वर्कर्स को या इंडिविजुअल्स को या एम्प्लॉइज को करना है, इस काम को करेगा कौन, है जो वर्क है इसको करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि ये जो मार्कर है ये टेबल के इस तरफ रखा हुआ है और टेबल के इस साइड से मार्कर को इस साइड रखना है, मतलब ये मेरा वर्क है कि मुझे जहां पर मैं इस मार्कर को इस पर्टिकुलर प्लेस से और इस पर्टिकुलर प्लेस में ट्रांसफर करूंगा, तो ये वर्क है और इस
वर्क को करने के लिए जो फोर्स की जरूरत पड़ेगी वो लगाएंगे हमारे मैन पावर, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे पीपल हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, वो इस काम को करेंगे। तो पॉइंट नंबर सेकंड देखिए लिखा हुआ है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए हमें पीपल मतलब ह्यूमन बींग की जरूरत पड़ेगी जो इस पर्टिकुलर गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में शिफ्ट करने का काम करेंगे या जो भी मैनेजमेंट के काम होंगे वो सारे काम करेंगे। तो मैनेजमेंट जो है वो पीपल का मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट जो है वो वर्क को पीपल करेगा। कोई भी कोई जो वर्क होगा उसको करने के लिए बहुत सारे ह्यूमन बींग्स हैं। हमने पढ़ाया कि हम ह्यूमन बींग के बारे में यहाँ पे अपने चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 9 के बारे में डीपली यहाँ पर पढ़ेंगे। उसी में हमारा पॉइंट है कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो जो भी वर्क है उस वर्क को करने के लिए हमारे पास मैन पावर जो वर्क फोर्स है उसकी जरूरत पड़ेगी और वो लोग उस काम को करेंगे। यहाँ पर हमें एक बात और समझनी होगी। यहाँ पे जो पीपल हैं, हमने पीपल को दो टाइप से डिवाइड कर रखा है। पहला टाइप होता है जहां पे हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल की, क्योंकि हम जो भी वर्क करेंगे हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी वर्क आइसोलेशन में कंप्लीट नहीं हो सकता है। जो भी वर्क है वो ग्रुप ऑफ पीपल सारे ही लोग मिलके एक साथ काम को करेंगे तो हमारा काम इजियर वे में हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ ग्रुप एफर्ट्स को ही ध्यान देना है, हमें हर इंडिविजुअल्स के जो उसने एफर्ट लगाया है उसे भी ध्यान रखना है। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल में एक बार में हम देखेंगे कि ग्रुप के बारे में बात करेंगे और ग्रुप जो है हर इंडिविजुअल से मिलकर ग्रुप बना है, तो हमें हर ग्रुप के बाद इंडिविजुअल वर्कर्स या एम्प्लॉयज में भी फोकस करना है। तीसरा नंबर पॉइंट लिखा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ये बहुत आसान है। इसे अगर हम देखें कि पॉइंट नंबर जो ए है और पॉइंट नंबर बी को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ग्रुप ऑफ जो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है पॉइंट नंबर थर्ड बन जाता है। इट मींस कि ऑपरेशन का मतलब हो गया, अगर हम सिंपल बात करते हैं ऑपरेशन का मतलब हो गया ये वर्क था और मैं पीपल था, तो मैंने इसके साथ एंगेज होने के बाद में इस काम को कंप्लीट कर दिया, तो मैंने इस काम को ऑपरेट कर दिया, मेरा वर्क ऑपरेट हो गया, तो मैं बोलूंगा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मींस अगर मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल आपस में क्लब टुगेदर हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा मैनेजमेंट ऑफ जो ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो गया। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन जो कंप्लीट होता है उसमें हम बहुत सारी चीजों को ध्यान रखते हैं कि इसे कैसे करना है, डिसाइड करना है कि हाउस टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन, वेयर टू बी डन, कैसे करना है, कब करना है, कहां करना है, ये सारी बातें हमारे मैनेजमेंट में हमें बताई जाती हैं। हमारे पास इंस्ट्रक्शन होते हैं अगर हम बिजनेस ऑपरेशन का पार्ट बनते हैं तो, और अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन हमें वर्क को कंप्लीट कर देना है, तो हम कहते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन हो गया है। तो मल्टी डायमेंशनल में आपको तीन बातें ध्यान रखनी है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ये हमारे पास सीक्वेंस में लिखेंगे और हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का ये पॉइंट नंबर थर्ड क्लियर हो जाएगा। पॉइंट नंबर अगर आप 4 देखेंगे तो लिखा हुआ है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब जानना होगा, कंटिन्यूअस मतलब जो बार बार होता है, जो रिपीटेडली होता है, और प्रोसेस का मतलब मैंने आपको बताया है जब सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, ये ऑलरेडी हमारे पास फिक्स है सीक्वेंस कि हमें किस तरीके से काम करना है। मैंने आपको ये बताया था अभी, आप अगर आप वीडियो को रिप्ले करके देखेंगे, आप पहले वीडियो को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मैंने बताया था कि अगर हमें रोटी बनानी है तो रोटी बनाने के हमारे पास प्रोसेस कैसे है। पहले हम आटा सानते हैं, फिर हम उसकी लोई काटते हैं, हम रोटी बेलते हैं, फिर उसे तवे में डालते हैं, तब हम रोटी सिक जाती है। तो ये जो सीक्वेंस है इसे हमें स्टेप वाइज करना है, पहले के बाद दूसरा स्टेप करना है, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप करना है, और स्टेप में ओवरलैपिंग या जो स्टेप का हम उसे स्किप नहीं कर सकते हैं कि अगर हम सोचते हैं कि इस स्टेप को हम गायब कर देंगे तो भी हमारा जो टास्क होगा कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी नेसेसरी स्टेप्स है उन्हें हमें फॉलो करना होगा और ये हमें बार बार फॉलो करना होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट का जो फीचर है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट नेवर एंडिंग फंक्शन, नेवर एंडिंग फंक्शन मतलब अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें सर्कल बना लें और इस सर्कल में मैं आपसे कहूं कि एंड रिजल्ट एंड पॉइंट ढूंढिए, तो शायद एंड पॉइंट ढूंढना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस साइकिल में एंड पॉइंट जैसा कुछ है ही नहीं। वैसे ही हमारे मैनेजमेंट में अगर हम देखेंगे कि ऑल द फंक्शंस इंप्लाइज ऑल द टाइम, फंक्शंस क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं। मैंने शॉर्टकट में लिख रखा है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। यही फंक्शंस मैंने आपसे कहा है थोड़ा देर पहले कि हमारे आने वाले जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं बिजनेस स्टडीज के वो भी हमारे बनेंगे और इसे डिटेल में वहां पर पढ़ेंगे। यहाँ पे अपने अपने नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ समरी वहां पर दूंगा।
तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये पांच फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं और ये पांचों ही फंक्शन एक ही टाइम में। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पहले हम प्लानिंग करके ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो हम कुछ टाइम पे प्लानिंग नहीं कर रहे होंगे, हम जब स्टाफिंग करेंगे तो हम ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर रहे होंगे, हम डायरेक्टिंग करेंगे तो हम स्टाफिंग नहीं करेंगे, हम कंट्रोलिंग कर रहे होंगे तो हम बाकी के फंक्शन नहीं कर रहे होंगे। सारे ही फंक्शन एक ही टाइम में एप्लीकेबल होते हैं और इनमें कभी भी एंड रिजल्ट नहीं होता है। इसको मैं छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उस कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ईयरली टारगेट था 1000 यूनिट ऑफ कंप्यूटर, 1000 कंप्यूटर हमें एंड ऑफ ईयर बनाना था। मान लेते हैं कंपनी ने अपने 1000 ऑफ यूनिट कंप्यूटर को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली एक कंप्लीट गिवन ईयर में कंप्लीट कर लिया है, तो क्या कंपनी अपने 1000 टारगेट को अचीव करने के बाद हम कंपनी बंद कर देंगे? क्या कंपनी के एम्प्लॉइज को हम छुट्टी दे देंगे कि अब आप जाइए? जी नहीं, अब हम नए टारगेट की तैयारी करेंगे, हम उससे भी बड़ा टारगेट अचीव करने की बात करेंगे अपने वर्कर्स से, अपने एम्प्लॉइज से, कि हमें और बड़ा टारगेट अचीव करना है, मार्केट का और बड़ा शेयर हमें कवर करना है। इसका मतलब है नए जो टारगेट है उसके साथ में हमें फिर से प्लानिंग करनी होगी और वर्कर की जरूरत पड़ेगी, हम वर्कर का स्टाफिंग करेंगे, हमें और रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, हम रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे और कंट्रोल करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि नेवर एंडिंग फंक्शन है, लगातार हमारा वर्क चलता रहेगा और इस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में एंड पॉइंट नहीं बल्कि ऐसा पॉइंट आएगा जिसे हम बोलेंगे पुश बैक पॉइंट। अगर हम कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो जब हमने पहले टास्क में 1000 यूनिट ऑफ कंप्यूटर का कंप्लीट कर लिया था और नया टारगेट हमें 1200 कंप्यूटर का फिर मिल गया था, तो कंट्रोलिंग फंक्शन से अगर हम देखें तो अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा कंट्रोलिंग यहां पर था और हम यहां पर फिर से प्लानिंग में आ गए हैं, तो इस फंक्शन को हम कहते हैं कि ये पुश बैक फंक्शन है, हम वापस से जंप करके फिर से प्लानिंग फंक्शन की तरफ मूव कर जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, नेवर एंडिंग फंक्शन को ये हम कहते हैं कंटीन्यूअस प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब मैंने आपको बताया सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन। नेक्स्ट में मूव करते हैं, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि ग्रुप का मतलब क्या होता है। क्या रेलवे स्टेशन में खड़ी हुई भीड़, अगर हम रेलवे स्टेशन जाते हैं या हम किसी क्राउड जहां पे काफी ज्यादा क्राउड है वहां पर जाते हैं और वहां पे जो भीड़ खड़ी हुई है, रेलवे स्टेशन में नॉर्मली अपन लोग जाते हैं काफी ज्यादा भीड़ होती है, तो क्या रेलवे स्टेशन में खड़ी हुई भीड़ को हम बोलेंगे कि ये ग्रुप है? इसका आंसर है नहीं, वहां पर वो ग्रुप बिल्कुल नहीं है। ग्रुप क्यों नहीं है? ग्रुप इसलिए नहीं है कि जितने भी वहां पर पर्सन खड़े हुए हैं उन सबका अल्टीमेट मोटिव सेम नहीं है। अल्टीमेट जो गोल है, जो कि हमने अपने पॉइंट नंबर 1 में देखा है कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, अल्टीमेटली डेफिनेटली सबके कुछ ना कुछ गोल जरूर है, तभी तो वो उस पर्टिकुलर जगह पे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हर किसी का डेस्टिनेशन सेम नहीं है, हर किसी की जो सीट है वो सेम नहीं है। हो सकता है वहां पे पैसेंजर्स को छोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आए हों जो उन्हें ट्रेन में बैठा के वापस घर चले जाएंगे, उनके अलग गोल्स हैं। इसका मतलब है जब सभी के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है, सभी का ओपिनियन अलग है, सभी का व्यू अलग है, सभी का जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं वो अलग है, तो वो हमारे लिए ग्रुप एक्टिविटी या ग्रुप नहीं बनने पाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो सारे किसी न किसी एक पर्टिकुलर एम को, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर वर्क कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि हम किसी न किसी ग्रुप एक्टिविटी को कर रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है डूइंग द वर्क अकॉर्डिंग टू स्टेटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डूइंग द वर्क अकॉर्डिंग टू स्टेटस का मतलब होता है, मैंने एग्जाम्पल फिर से पिछले एग्जाम्पल को रिपीट करता हूं कि अगर हम 1000 यूनिट ऑफ कंप्यूटर वहां पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और हमने कहा कि हमारे पास 3-tier सिस्टम है जिसमें ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज और नीचे लेवल के वर्कर्स काम करते हैं, तो सारे ही वर्कर को अपना अपना काम, जो काम उनको अलॉट किया गया है उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है, अकॉर्डिंग टू स्टेटस वर्क करना है, और अगर हम अपना काम टाइम पे कंप्लीट कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम अपने टारगेट को, जो कि 1000 कंप्यूटर एक साल में बनाने का टारगेट है, उसे हम अचीव कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि हमारे एक जो फैक्ट्री है, एक 1000 यूनिट ऑफ कंप्यूटर बनने की, उस फैक्ट्री में कई सारे वॉशरूम हैं और उस वॉशरूम को साफ सफाई के लिए हमने कई सारे स्वीपर्स रखे हैं। मान लेते हैं स्वीपर्स आज वॉशरूम को साफ करने में थोड़ा डिले कर देते हैं या वॉशरूम में आज हमारे साफ सफाई में ये होती है। अब हमारे जो एम्प्लॉइज हैं और वो जब ब्रेक टाइम मिलेगा जिस टाइम पे वो जाएंगे वॉशरूम में और वॉशरूम जाके देखेंगे कि बहुत डर्टी वॉशरूम है, बहुत वहां पे कोई भी चीज क्लीन नहीं है, काफी गंदगी फैली हुई है, तो ये बिल्कुल क्लियर बात है कि वर्क जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक अलग सी फीलिंग आएगी, उनको गुस्सा आएगा, उनको काम करने का मन नहीं करेगा, और अगर ये लगातार कंटिन्यूस ऐसे ही डर्टीनेस बनी रहेगी तो डेफिनेटली हमारे एम्प्लॉयज काम अच्छे से नहीं करेंगे और इसका एंड रिजल्ट ये होगा कि हम अपने टारगेट को सही टाइम पर अचीव नहीं कर पाएंगे। वैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे एम्प्लॉयज को एक 15 मिनट का या 20 मिनट का हम एक शॉर्ट ब्रेक देते हैं जिसमें वर्क जो वर्कर्स है जो एम्प्लॉयज हैं वो बीच में, जिसे हम टी ब्रेक कहते हैं, कि वो अपने
कुछ स्नैक्स ले सकते हैं, कुछ टी पी सकते हैं, इन इन सब चीजों को। और मान लेते हैं जिस टाइम पे वर्कर्स को या एम्प्लॉयज को हमने ब्रेक दिया, उस टाइम पे वहां पे टी या जो भी स्नैक्स था या जो भी वहां पे कोल्ड ड्रिंक था वो वहां पे नहीं रखा हुआ है, और उसके बाद वर्कर का टाइम निकल जाता है, तो वर्कर वहां पे और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वर्कर काम नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ड्यू टू जो हमारा कैंटीन डिपार्टमेंट था उसकी लापरवाही की वजह से हमारे जो 1000 यूनिट ऑफ कंप्यूटर है वर्कर उसको टारगेट पे अचीव करने में कहीं ना कहीं डिले हो रहा है, जबकि वो जो स्वीपर है और वो जो कैंटीन जो रन कर रहा है दोनों ही कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ये अपना अपना काम कर रहे हैं। इसलिए पॉइंट लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू स्टेटस आपको अपना काम टाइम पर करना है, डेफिनेटली जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्ट है उसे हम पूरा कर लेंगे। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अकॉर्डिंग टू जॉब जो जॉब आपको मिली है उस जॉब को आपको कंप्लीट करना है अपने टाइम पे, जो आपको गिवन टास्क है उसको टाइम पे कंप्लीट करना है। अगर आप इसको देखेंगे तो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है एंड रिजल्ट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ग्रुप एक्टिविटी। हम इन रिजल्ट को हमेशा ग्रुप एक्टिविटी में ही समझेंगे। इंडिविजुअल्स को मैंने कहा हम डेफिनेटली वहां पे प्रमोट करते हैं, लेकिन हम पहले बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप एक्टिविटी की, क्योंकि ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू हम चीजों को कंप्लीट कर पाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और मान लेते हैं 10 वर्कर्स को हमने 1000 यूनिट ऑफ कंप्यूटर बनाने के लिए बोला है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं निकालना है कि मैंने हर वर्कर को ये कह दिया है कि अगर 10 वर्कर्स के बीच में मैं बात करता हूं कि हमारे पास 10 ये 1000 यूनिट ऑफ कंप्यूटर है और इस 1000 कंप्यूटर को मैं कहता हूं कि 10 वर्कर करेंगे, तो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 100 पीस आ जाता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैंने हर वर्कर को बोला है कि आपको 100 पीस बनाना है। मैंने ये वर्ड बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। मैंने यहां पर बोला है कि 10 वर्कर्स को या 10 एम्प्लॉयज को मिलकर 1000 पीसेज ऑफ कंप्यूटर के बनाने हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर एक वर्कर 100 पीस बनाने का। मान लेते हैं उनमें से एक वर्कर्स जो है सिक हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो 9 वर्कर्स ये सोच के बिल्कुल काम नहीं करेंगे कि अब हमें 100 यूनिट कंप्यूटर जो कि वो जो वर्कर सिक हो गया है उसके उसके नाम से जो था वो हमें नहीं बनाना है। अब वही सेम टारगेट 1000 यूनिट ऑफ कंप्यूटर को यहां पर जो 10 वर्कर्स में से एक वर्कर सिक हो गया है तो अब 9 वर्कर मिलकर उस टास्क को अचीव करेंगे। हो सकता है एक वर्कर और बीमार पड़ जाए या किसी वजह से एब्सेंट रहे, तो अब 8 वर्कर्स को ही मिलकर उस 1000 यूनिट ऑफ कंप्यूटर के टास्क को अचीव करना है। तो यहां पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू स्टेटस आपको काम करना है और हमें ग्रुप एक्टिविटी के साथ काम करना है। उसमें अपने आप का ये नहीं मान लेना है कि इंडिविजुअल हम उसे डिवाइड करके और हमारे नाम से कितना वर्क है उसे हम करेंगे। हमें कंप्लीट वर्क जो है उसे ही मानना है कि हमें उसी टास्क को अचीव करना है। नेक्स्ट पॉइंट है डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का सिंपल मतलब अगर हम समझे तो मतलब होता है चेंजेस टेक प्लेस। हमारे बिजनेस में एनवायरनमेंट होते हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 है, उसमें हम बिजनेस एनवायरनमेंट को और ज्यादा डीप में जाकर पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस में दो तरीके का होता है। पहला एनवायरनमेंट वो जो बिजनेस का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, दूसरा एनवायरनमेंट वो जो बिजनेस का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, इंटरनल में कौन कौन सी चीजें आती हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट में आते हैं हमारे बिजनेस के एम्प्लॉयज, बिजनेस के वर्कर्स, बिजनेस में यूज होने वाले रिसोर्सेज, बिजनेस का जो हमारा जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो कि हमने देखा कि जो सीईओज होते हैं वो सारे जो टॉप लेवल होते हैं वो सारे हमारे बिजनेस के इंटरनल हैं। अगर हम बात करते हैं हमने अपने बिजनेस में ऑफिस आने की या फैक्ट्री आने की टाइम में चेंज कर दिया है तो हम बोलेंगे कि हमारे बिजनेस के इंटरनल एनवायरमेंट में कोई ना कोई चेंज आ गए हैं। एनवायरमेंट डायनेमिक है, डायनेमिक का मतलब मैंने बताया चेंजेस, तो एनवायरमेंट चेंज हो गया जिसकी वजह से हमारे वर्कर्स के आने का टाइम और जाने का टाइम चेंज हो गया है। नॉर्मली आप लोग भी देखते होंगे आप लोग के जो विंटर में जो स्कूल टाइमिंग है वो नॉर्मली चेंज हो जाती है, थोड़ा सा डिले हो जाता है, आने का टाइम थोड़ा लेट, जाने का टाइम थोड़ा और लेट, तो वो हम कहते हैं कि हमारे स्कूल मैनेजमेंट ने जो टाइमिंग है आने जाने की जो शिफ्ट है उसे चेंज कर दी है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं कि इस डायनेमिक एनवायरनमेंट में जो दूसरा एनवायरनमेंट है जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसमें इंटरनल एनवायरनमेंट का कोई भी फोर्स काम नहीं करता है। जैसे गवर्नमेंट हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, सोसाइटी हो गई, हमारे सप्लायर हो गए, बैंक हो गए, ये सारे वो हैं जो हमारे बिजनेस के बाहर के हैं, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस होता है तो वो हमें रैपिडली अकॉर्डिंग टू चेंज हमें अपने बिजनेस में भी चेंज करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारी टैक्सेशन पॉलिसी में हमने टैक्स रेट का जो हमने अभी देखा थोड़े दिनों पहले कि बहुत सारे टैक्स लेविड थे उनको खत्म करके हमने जीएसटी अप्लीकेबल कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंज हो गया है उसको इमीडिएट हमें अडेप्ट करना है और उसको चेंज करना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम सर्वाइव कर पाएंगे इसके चांसेस हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है।
दूसरा चेंजेस हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है। हम जो सेम गुड्स मान लेते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग मैं इस मार्कर की करता हूँ और मेरा कॉम्पिटिटर जो है वो इस मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो ये पक्की बात है कि मैं हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से ऊपर निकलने के बारे में सोचूंगा और ऊपर निकलने के लिए कॉम्पिटिटर से ज्यादा मेरा प्रोडक्ट मार्केट में बिके इसके लिए मुझे कॉम्पिटिटर की पॉलिसी को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। मान लेते हैं कॉम्पिटिटर ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है, तो कॉम्पिटिटर ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है, हो सकता है मार्केट में उसका शेयर ज्यादा हो जाए और उसका शेयर मार्केट में ज्यादा होने से पहले ही मेरे को भी अपने बिजनेस में चेंजेस करने पड़ेंगे। ये कॉम्पिटिटर की पॉलिसी चेंज का पहला तो ये बताइए कि इंटरनल चेंज है कि एक्सटर्नल चेंज है, तो ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट का चेंज है जो कॉम्पिटिटर ने चेंज किया है। अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटर के चेंजेस हमें भी बिजनेस में और ज्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो डेफिनेटली हमारा कॉम्पिटिटर हमें डिफीट कर देगा और हो सकता है एक दिन वो भी आए जब हम मार्केट से एलिमिनेट हो जाएं कॉम्पिटिटर की स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की वजह से। तो एनवायरमेंट डायनेमिक है, हमें डायनेमिक एनवायरमेंट के साथ काम करना है। मैंने लिखा है चेंजेस आर नेसेसरी टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्यों करना है। कई बार चेंजेस ऐसे भी होते हैं जिस चेंजेस को हमारे इंटरनल चेंजेस होते हैं और वर्कर्स एम्प्लॉयज उसे अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंने अपने वर्कर से बोला है कि अब आपको कंप्यूटर सीखना कंपलसरी है, अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी जो रिटर्न वर्क है वो मैनुअल वर्क वे में नहीं होगा, वो सारा ही काम कंप्यूटराइज सिस्टम में होगा। अब मान लेते हैं कोई वर्कर है वो सोच रहा है कि अरे यार मुझे कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, मैं कंप्यूटर नहीं सीखूंगा, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर हम मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट का ही काम है कि मैनेजमेंट अगर वर्कर्स को मोटिवेट करता है और कंप्यूटर सीखने के एडवांटेजेस बताता है, एडवांटेजेस में पहला एडवांटेजेस शायद अगर मैं होऊंगा तो ये बताऊंगा कि अगर आप कंप्यूटर सीख लेते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के अगर आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और आप कंप्यूटर सीखे रहेंगे तो डेफिनेटली आपको वहां पे वेटेज मिलेगी, आप रेफरेंस बेसिस पे वहां पे सिलेक्ट हो सकते हैं। और कंप्यूटर जैसी चीज जो वर्ल्ड वाइड लोग सीख रहे हैं, आपकी टेक्निकल नो हाउ को बढ़ाता है, तो शायद वहां पे वर्कर इजिली कन्विंस हो जाए और चीजों को आसानी से टेक प्लेस कर ले जो चेंजेस हुए हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट जो होता है वो डायनेमिक फंक्शन होता है। लास्ट फंक्शन अगर हम देखें, लास्ट जो फीचर है हमारा मैनेजमेंट का वो है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब सबको पता है, आपको भी पता है, इनटेंजिबल का मतलब होता है वो सारी चीजें जिसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसमें कोई बॉडी का शेप या ऐसा कोई स्ट्रक्चर वहां पर नहीं होता है। मैंने लिखा है कैन नॉट बी फिजिकली सीन, प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। हम खाली उसके प्रेजेंस को फेल कर सकते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी जगह पे अगर आप जाते हैं, मैं आपके स्कूल का एग्जांपल ले लेता हूं, अगर कोई पेरेंट्स या कोई आउटसाइडर स्कूल में जैसे ही स्कूल प्रेमिसेस में एंटर करता है और देखता है कि सारी ही क्लासेस वेल मैनेज्ड है, अब बहुत ज्यादा नॉइस नहीं आ रही है किसी भी क्लासरूम से बाहर, सब कुछ वेल मैनेज्ड है, तो हम अपने आप ही अंदाजा लगा लेते हैं कि स्कूल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ये किसी ने बताया नहीं है, इसको हमने किसी फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा, हमने बस अंदाजा लगा लिया, हमने उसको फेल कर लिया कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। जी हाँ, मैनेजमेंट का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होने के बावजूद हम उसे आसानी से देख लेते हैं, हम उसे आसानी से फील कर लेते हैं। मैनेजमेंट में किसी भी काम का बहुत अच्छा होना उस मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को बताता है, जिसमें हम कहते हैं कि हमारा मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। मैनेजमेंट में काम का टाइम पे कंप्लीट ना होना, डिले इन एक्शन होना, डिले इन डिसीजन होना, मैनेजमेंट में जो टास्क हो रहा है उसमें वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा होना, तो हम कहते हैं कि हमारा मैनेजमेंट जो है वो इनएफिशिएंट है, इनइफेक्टिव है। और डेफिनेटली ये सारी चीजें हमारे लिए इनटेंजिबल होती हैं, जिन्हें हम खाली फील कर सकते हैं, वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम ऑब्जेक्टिव्स की भी बात करेंगे, लेकिन क्योंकि वीडियो में देख रहा हूं काफी लंबा हो रहा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप ये सेशन आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। इसमें हमने बिल्कुल इनिशियल लेवल पे मैनेजमेंट क्या होता है, इफेक्टिवनेस क्या होती है, इफिशियंसी क्या होती है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आपको मैं अभी वीडियो के लास्ट में आपको दे दूंगा, इसे आप डेफिनेटली देखिए। हम फिर से मिलेंगे, तब तक आप अच्छे से रहिए एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।